यहाँ सब भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का नारा बना मजाक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके ही अधिकारी रख रहे हैं अंधेरे में। यूपी जल निगम और सीएनडीएस में खुलकर हो रही है घूसखोरी। नेशन वन लगातार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कर रहा है बेनकाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन, मैं हूं आपके साथ लीली। भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगना शायद अब नामुमकिन सा हो गया है। योगी सरकार भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने के चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन हर संभव प्रयास परस्त होता नजर आ रहा है और भ्रष्ट अधिकारियों की भ्रष्टाचारी दिन ब दिन परवान चढ़ती जा रही है। इन भ्रष्टाचारियों को योगी सरकार का बिल्कुल खौफ नहीं है, मानो भ्रष्ट अधिकारी योगी सरकार को भी अपनी जेब में रखकर घूमते हों। नेशन वन ने इन सभी भ्रष्ट अधिकारियों की भ्रष्टाचारी को प्रमुखता से दिखाया, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन अपनी गहरी नींद से नहीं जागा। ये नजारा है सीएनडीएस विभाग का, जहां पर अजय गुप्ता नाम का कॉन्ट्रैक्टर अपने इशारों पर चलाता है योगी सरकार के इस विभाग को। अजय गुप्ता की मनमानी के चलते टेंडर किसी का भी हो, लेकिन नाम अजय गुप्ता का ही होगा। आखिर कौन है ये अजय गुप्ता जो योगी को अपने रसूख के बल पर चला रहा है, जिसके आगे अधिकारी से लेकर मंत्री तक नतमस्तक रहते हैं। वैसे तो टेंडर के लिए लोगों के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन टेंडर अजय गुप्ता का ही होता है। अभी हमारा एक टेंडर चल रहा है, कैंसिल कर दिया था, वो भी पर्टिकुलर खन्ना साहब के ही है जिनको दिया जाना है, लेकिन उसमें वो पास नहीं हो रहे थे, वो कैंसिल करना पड़ा। आपका अजय गुप्ता वगैरह है, संजय गुप्ता ये होता होगा, उनको दिया जाना है। आपका अजय गुप्ता वगैरह है, संजय गुप्ता ये होता होगा, उनको दिया जाना है। आपका अजय गुप्ता वगैरह है, संजय गुप्ता ये होता होगा, उनको दिया जाना है। ये अजय गुप्ता अधिकारी से लेकर मंत्री तक के ओहदे वाले लोगों को अपनी जेब में रखता है। अब सवाल उठता है सरकार की कार्यप्रणाली पर। जब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार सत्ता में आई थी, तो फिर कैसे ठेके की ऑनलाइन प्रक्रिया में ये रसूखदार कॉन्ट्रैक्टर सेंध लगा जाते हैं? क्या ऐसे ही चलता रहेगा इन भ्रष्ट अधिकारियों का काला खेल? आखिर क्यों नहीं लग रही है इन भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम? क्या सरकार भी इन भ्रष्टाचारियों के दबाव में रहती है, या फिर सरकार का भी होता है इन भ्रष्ट अधिकारियों से फायदा? क्या खोखला हो गया है प्रशासन? लेकिन जनता को तो देना ही होगा जवाब। क्योंकि अभी हमारा एक टेंडर चल रहा है, कैंसिल कर दिया था, वो भी पर्टिकुलर खन्ना साहब के ही है जिनको दिया जाना है, लेकिन उसमें वो पास नहीं हो रहे थे, वो कैंसिल करना पड़ा। आपका संजय गुप्ता वगैरह है, संजय गुप्ता ये होता होगा, उनको दिया जाना है। कम से कम 250 करोड़ का काम है, फर्स्ट पेज में 160 करोड़ का काम है। राज के पॉलिटिकल राज की है पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर, सॉरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर को आपके बनता है, एलिवेटेड रोड है ना, उसके पास बनता है। तो उनके आदमी ने उसे पार्टिसिपेट किया तो क्लियर नहीं करना था, बाकी पार्टियाँ क्लियर कर रही हैं उसको, तो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा डाल करके उसको कैंसिल कराया, फिर नए तरह से फिर उसको डाला जाएगा। भाई हमने डालेंगे ही, सब डालेंगे ही, लेकिन यही है कि दिया उसी को जाना है। तो देखा आपने किस तरह से एक अधिकारी ही अपने विभाग की कैसे खोल रहा है पोल। अजय गुप्ता का विभाग में चलता है सिक्का, अधिकारियों का खुलासा अजय गुप्ता तय करता है। विभाग में कौन सा टेंडर किस ठेकेदार को दिया जाएगा। तो देखा आपने भ्रष्ट अधिकारियों की किस तरह से खुल रही है पोल। सभी भ्रष्टाचारियों पर टिकी है नेशन वन के कैमरे की नजर, लेकिन योगी सरकार की नजरों से बचते नजर आ रहे ये भ्रष्ट अधिकारी, क्या प्रशासन सो रही है गहरी नींद, या फिर सरकार भी भर रही है इन भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से अपनी जेब? जनता को देने होंगे जवाब। नेशन वन ने दिखाया अधिकारियों का काला खेल। विभागीय मंत्री जी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। मंत्री जी, जनता आपसे मांग रही है जवाब।
मंत्री जी, इन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? नेशन वन अपनी मुहिम यहां सब भ्रष्ट है में जल्द करेगा जल निगम और सीएनडीएस के बड़े अधिकारियों को बेनकाब। मेरे साथ इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।